नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 21 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले डालते हैं सर के ऊपर। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन की जारी, कहा अगर किसी मुसलमान ने सड़क पर पढ़ी नमाज तो भेजेंगे जेल। विल किसवानों के बाद अब गुजरात दंगे मामले में कोर्ट का एक और मुस्लिम विरोधी फैसला, 11 मुसलमानों की हत्या करने वाले बीजेपी नेताओं को कोर्ट ने किया बड़ी मुसलमानों में भारी गुस्सा। पुलवामा हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में सेना पर एक और बड़ा हमला, आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी में फेंका बम, 5 जवानों की मौत। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाली हिंदू महासभा का विवाहित ऐलान, कहा अतीक अहमद के कातिलों को कानूनी और आर्थिक मदद मुहैया कराएगी हिंदू महासभा। राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली अब कोर्ट पर भी यकीन नहीं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के भाई ने की आत्महत्या, ओयो होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला शव। अखिलेश यादव का योगी पर जोरदार हमला, कहा लखनऊ में जंगलाज, सीएम योगी स्टार प्रचारक बनकर व्यस्त। दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर डाल के सामने, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन की जारी, कहा अगर किसी मुसलमान ने सड़क पर पढ़ी नमाज तो भेजेंगे जेल। आज उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने अलविदा जुमे की नमाज को लेकर आज गाइडलाइन जारी कर दी है। योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अगर किसी मुसलमान ने सड़कों पर नमाज अदा करने की कोशिश की और अलविदा नमाज के दौरान हुड़दंग करने की कोशिश की तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस उन मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। इसलिए मुसलमान सड़कों पर अलविदा जुमे की नमाज को अदा ना करें और ना ही कोई मुसलमान हुड़दंग मचाने की कोशिश करे। सभी मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाजों को अदा करें। अगर किसी मुसलमान ने सड़कों पर नमाज अदा करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस उसको गिरफ्तार कर जेल में डालेगी। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, इसी के साथ बड़ी खबर डाल के, गुजरात दंगे मामले में कोर्ट का एक और मुस्लिम विरोधी फैसला, 11 मुसलमानों की हत्या करने वाले सभी आरोपियों को कोर्ट ने किया परी चौंसा पदे। विल्किस मानो के बाद अब गुजरात दंगे मामले में कोर्ट का एक और मुस्लिम विरोधी फैसला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, गुजरात की एक विशेष अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के नरोदा गांव मामले में सभी हिंदू आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने नरोदा गांव में 11 मुसलमानों की हत्या के मामले में ये फैसला सुनाया है। इस मामले के आरोपियों में भाजपा की पूर्व विधायक माया कोटनानी और वसंत दल के नेता बाबू बजरंगी भी शामिल हैं। मामले में कुल 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 18 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन आज गुजरात की एक कोर्ट ने मुस्लिम विरोधी फैसला सुनाया है और 11 मुसलमानों की हत्या करने वाले सभी भाजपा इस समय 86 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, गोधरा में ट्रेन आरक्षण की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाँव इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 मुसलमान मारे गए थे और इन भाजपाइयों पर हत्या का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने इनको भी आज विल्किस बानो के हत्यारों की तरह वरी कर दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर डाल के, पुलवामा के बाद अब जम्मू कश्मीर में सेना पर एक और बड़ा हमला, सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने फेंका बम, 5 जवानों की मौत। चौंसा पदे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पे ग्रेनेड से हमला किया, जिससे गाड़ी में आग लग गई और 5 जवान जलकर शहीद हो गए। एक जवान इस हमले में घायल हो गया है। सेना ने कहा कि गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे क्षेत्र में भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए अज्ञात आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपल्स एंटी फॉरेस्ट फ्रंट ने ली है, जो जैसे मोहम्मद समर्थित आतंकी संगठन है। सेना ने कहा कि आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले के कारण वाहन में आग लग गई। इस क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवानों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल आपको बता दें, इसको 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। जो बड़ी अपडेट है, मोदी सरकार की बड़ी नाकामी ये सामने आई है। इसी के साथ बड़ी खबर डाल के, हिंदू महासभा ने किया ऐलान, अतीक अहमद के कातिलों को कानूनी और आर्थिक मदद मुहैया कराएगी हिंदू महासभा। चौंसा पदे। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाली
हिंदू महासभा ने अतीक तथा अशरफ अहमद के हत्यारों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा के प्रमुख स्वामी शक्रपाणी ने अपनी यूपी इकाई से अतीक हत्याकांड के आरोपियों को आवश्यक कानूनी और आर्थिक मदद प्रदान करने का आदेश दिया है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने अतीक के हत्यारों को बच्चे कहकर संबोधित किया और कहा कि उन्हें कानूनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा सभी हिंदुओं के साथ खड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। हिंदू महासभा ने अपनी स्थानीय इकाई को तीनों आरोपियों को कानूनी और आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। हमें तीनों आरोपियों की मंशा को समझना होगा। अतीक ने कई लोगों की जान ली है। इन आरोपियों को कानूनी बचाव पाने का अधिकार है। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने, किस तरह से जो महात्मा गांधी के हत्यारों की पूजा करती है हिंदू महासभा, उसने अब इन आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने का ऐलान कर दिया है। श्री कृष्ण पढ़ के मंडल के श्री राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर भड़की जम्मू कश्मीर की पूर्वी सीएम महबूबा मुफ्ती, बोली अब कोर्ट पर भी यकीन नहीं। जो शपथें गुजरात की एक अदालत द्वारा मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से भड़क गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को अदालतों के इस फैसले के बाद बीजेपी पर निशान साधते हुए कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दलों के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में हैं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करने वाले मुल्क के लोकतांत्रिक इतिहास में आज काला दिन है। राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है वह दिखाता है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र का खात्मा चाहती है। वे वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं और संविधान को दरकिनार करके बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने सूरत की एक अदालत द्वारा एक आपराधिक मानहानि मामले में सजाए खिलाफ राहुल गांधी की अपील खारिज किए जाने के बाद ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लोगों की उम्मीद है, लेकिन अब इससे भी हमारा पूरी तरीके से पर्दा उड़ चुका है और हमें अब कोर्ट पर भी यकीन नहीं है। जो बड़ी अपडेट है, श्री कृष्ण करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू के भाई ने की आत्महत्या, होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला शाप। जो पदें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू के भाई नयन पाल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उनका शव गुरुग्राम के ओयो होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ये सूचना नयन पाल के परिजनों को दी। परिजनों का कहना है कि नयन पाल काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और डिप्रेशन के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं पुलिस ने सबको कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि मार्च 2021 में सूरजपाल अम्मू के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गाजियाबाद की गोल्फ लिंक की सोसाइटी स्थित फ्लैट में अनिरुद्ध गायब का सब बरामद हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट में केवल उनकी पत्नी मौजूद थी। परिजनों का कहना है कि अनिरुद्ध एक पढ़ा लिखा मिलन सा लड़का था, वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार छह उगलते हैं और मुसलमानों को धमकी देते हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू उसके भाई ने आज आत्महत्या कर ली है और ओयो होटल कमरे से पंखे से लटकी हुई उसकी लाश मिली है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार हमला, बोले लखनऊ में जंगल आज, सीएम योगी स्टार प्रचारक बनकर ब्याजते थे। चौंसा पदे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी स्टार प्रचारक बनकर ब्याजते हैं और उनका प्रशासन तंत्र अपराधियों के आगे पछत है। दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं हो रही है पर दावा किया जाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक 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 ठाक है। जनता भी जान गई कि बीजेपी को झूठा प्रचार करने में महारत हासिल है, उसके पास अपना काम बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह समाजवादी सरकार के काम को ही अपना बताकर अपना समय काट रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजधानी लखनऊ में ही जंगलराज के हालात हैं। कृष्ण नगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर एक महिला की चैन लूटी। कैसरबाग इलाके में व्यापारी से 13 लाख रुपए की लूट हो गई। एक संविदा कर्मी ने नौकरी के नाम पर युवती से वसूली की और दुष्कर्म किया। पारा के बुद्धेश्वर मंदिर पर एक बुजुर्ग की सोने की माला बदमाशों ने लूट ली। पूर्व सीएम ने कहा कि 20 अप्रैल 2023 को ही प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में तमंचा दिखाकर किशोरी से रेप किया गया। चंदोसी से परीक्षा देकर लौट रही वी एस एस सी की छात्रा से वी
एससी की छात्रा से बस चालक ने छेड़छाड़ की। मेरठ के कंकरखेड़ा में दबंगों ने दो बहनों को घसीट कर पीटा और असली व्यवहार किया। उन्नाव में बीजेपी के 5 गुंडों ने नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा वापस न लेने पर जेल से छूटते ही पीड़ित के घर में आग लगा दी। आगरा में ताजगंज स्थित त्रिवेणी इन्वेक्स में सरयाम दरोगा की बहू को बंधक बनाकर लूट लिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटनाएं तो महज गिनती के लिए हैं। प्रदेश में हर दिन लूट, हत्या, छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं हैं। पुलिस ज्यादातर मामलों में पीड़ितों की मदद के बजाय अपराधियों के ही पक्ष में दबाव बनाने का काम करती है। लचर विवेचना और अभियोजन में लापरवाही से तमाम अपराधी छूट जाते हैं और योगी लगातार कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं।